जिला में शुक्रवार को आरटीपीसीआर टेस्ट में 89 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि पन्याली क्षेत्र के गांव काहीदी बहल में 15 लोग, डिडवी टिकर क्षेत्र के गांव कडरियाला में 9, चकमो क्षेत्र के गांव बहल अर्जुन और डकवा में 5-5 लोग, करसाई में 4, पन्याली क्षेत्र के गाँव बिरहू, गाँव बल भट्टा, बिजड़ी कनो, गवारडू और कोही में 3-3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरियाणा, कोही, बटरान, मागरा, मैड, धीरड़, घुमारली, जंगलवारी, बणी क्षेत्र के गांव थाना कांगू और सोड़ में 2-2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। गांव अम्मन, कसवार क्षेत्र के गांव छबी, चकमो, बड़ाग्रां, पनियाला, मोही मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हमीरपुर, बगवाड़, ढो, भकरेड़ी और वार्ड नंबर 1 सुजानपुर में 1-1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट में 49 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि शुक्रवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 429 सैंपल लिए गए, जिनमें से 49 पॉजिटिव निकले। मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर में 9 लोग, वार्ड नंबर 1 हमीरपुर, NIT हमीरपुर और भोटा में 3-3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं कसवाड़ क्षेत्र के गांव खैरी, कनो, सुधियाल क्षेत्र के गांव पुखरानी में 2-2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सुजानपुर के वार्ड नंबर 1 चमियाना, धमरोल, बलेटा खुर्द, हथौल क्षेत्र के गांव बीड़ू, बंटेरा, अकराना, नालटी के गांव पलसन, बेला, हडेटा, ग्वालपत्थर, बेहा टाउन, भराड़ी क्षेत्र के गांव भोला, कुधार, बरनी, लोहारली, बिहड़ू, हेमगिरी, वार्ड नंबर 9 हमीरपुर, दुलेड़ा, अणुखुर्द, कैटरू और लोहाखर में 1-1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। इनके अलावा कांगू और हमीरपुर में कार्यरत 1-1 व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।